तुम्हें पता है ना क्या करना है? रो, रो, क्या हुआ? तुम भी समझ जाओगे तो राशिद की शादी हो गई है, वो अपनी जिंदगी में मगन है। उसे तुम्हारे निकाह करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ राशिद? पहले भी मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और अब कर दो। मम्मी ने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सब? ठीक होने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। मेरे अम्मी वो पहले का बात है मुझसे खुशी मिली थी, अब वो भी जिन गई है। मैंने और तुम्हारी माँ ने सोचा है कि तुम्हें निमरा को अपने ऑफिस में नहीं रखना चाहिए। मैं किसी और जगह उसे एडजस्ट करवा देता हूँ, किसी अच्छी कंपनी में बेहतरीन जॉब दिलवा देता हूँ। माँ बाप तो औलाद का मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते। लेकिन आप मेरी मुश्किल को भी तो समझे, मैं अशरफ से पूछे बिना जारा को नहीं भेज सकती। माँ बाप को तो इसकी परवाह है नहीं, हालांकि समीना को मैंने फोन करके बताया भी, उससे इतना नहीं हुआ कि फोन करके बेटी का हालचाल पूछ ले। उसे सौ दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका।
मुझे आ